नमस्कार दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश हर रात 8 बजे क्राइम कनेक्ट पर आपके लिए लेकर आता हूं अपराध की दुनिया की एक चौंका देने वाली कहानी। लेकिन इस वक्त देखिए क्राइम टॉप 5। बिग बॉस OTT सीजन 2 विनर एल्विस यादव एक बार फिर खबरों में हैं। एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एल्विस यादव राजस्थान के एक रेस्टोरेंट में एक शख्स को जोरदार थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वे कहते हुए सुने जा रहे हैं कि उस शख्स ने मुझे गलत बोला और इसलिए मैंने भी जाकर उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। मुझे ऐसा करने में कोई पछतावा भी नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने TV पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में उम्र कैद काट रहे 4 दोषियों को सोमवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार की सजा को चुनौती देने वाली उनकी अपील के लंबित रहने तक उनकी सजा निलंबित कर दी है। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। ये वही पूर्व सैनिक है जिन्हें कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत के कूटनीतिक दखल के बाद कतर ने सजा माफ कर दी। इन पूर्व नौसैनिकों को कतर ने रिहा कर दिया। 8 में से 7 नौसैनिक भारत पहुंच भी चुके हैं। दिल्ली के साकेत में MET स्कूल में बम का मेल आने से दहशत मच गई। मेल में 13 फरवरी को स्कूल को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। मेल में पैसे भी मांगे गए हैं। धमकी के बाद पूरे स्कूल की चेकिंग की गई, लेकिन बॉम्ब स्क्वाड को कुछ भी नहीं मिला। अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर एक अजीबोगरीब घटना हुई। US कस्टम विभाग ने तलाशी ली तो एक पैसेंजर के पास 4 बंदरों की लाशें मिली। अधिकारियों के मुताबिक ये यात्री अफ्रीका से आया था। अमेरिका में जंगली जानवरों के कच्चे मांस का सेवन प्रतिबंधित है। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी क्राइम की टॉप 5, क्राइम की सच्ची और चौंकाने वाली कहानी। देखिए आज रात 8 बजे क्राइम कनेक्ट पर। आप क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।